नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। साधारण ढंग से मना संकट मोचन का जन्मोत्सव, मंदिरों में की गई कोरोना के खात्मे की कामना। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन बजरंग बली का जन्मोत्सव इस बार कोरोना के संकट के चलते फीका पड़ गया। शहर के प्राचीन हनुमान मंदिरों में, जहां हर वर्ष हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं बजरंग बली के पूजनीय स्थान आज सूने दिखाई दिए। शहर के हनुमान मंदिरों में पुजारियों ने साधारण तरीके से बजरंग बली की पूजा करते हुए संकट मोचन से कोरोना के खात्मे की कामना की। बता दें कि बुधवार को हनुमान जयंती का पर्व है। हर वर्ष पूरे जिले के हनुमान मंदिरों में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के चलते प्रशासन द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए हैं, जिस कारण आज हनुमान जयंती के बावजूद शहर के मंदिर सूने दिखाई दिए। कचहरी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में के पुजारी राशि भूषण उपाध्याय ने साधारण तरीके से बजरंग बली की प्रतिमा पर चोला चढ़ाते हुए उनकी पूजा अर्चना की। इसी के साथ बजरंग बली से महामारी कोरोना के खात्मे की प्रार्थना करते हुए शहर के सभी लोगों से अपने घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की। वहीं वेस्ट एंड रोड स्थित सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान श्री बालाजी एवं शनि शक्ति पीठ में भी बेहद सादगी के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। महामंडेश्वर महेंद्र दास ने बजरंग बली की प्रतिमा का श्रृंगार करते हुए उन्हें चोला चढ़ाया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बंद किए गए हैं मंदिरों को लेकर उनका मन स्थित है, मगर वह प्रशासन के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने सभी भक्तों से भी शासन प्रशासन का सहयोग करने और कोरोना की लड़ाई में जीतने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस बार मंदिर में बेहद साधारण तरीके से हनुमान जयंती मनाई जा रही है, जिसके चलते हर बार लगने वाला विशाल भंडारा भी इस बार छोटे स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नाम शशि भूषण उपाध्याय। आज पंडित जी पापा की जयंती है, क्या कहना चाहते हैं? ये जयंती है, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा महामारी ये सब जिंदगी जो है जीवन में पहली बार आया है, लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए हनुमान जी का केवल चोला हुआ है और बाकी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई आए ना, कोई इसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जनता को ध्यान के रखते हुए सब काम किया गया है। और क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं? ये कहते हैं कि जितना तक आदमी सावधानी बरते उतना ही अति सुंदर, जितना कम भीड़ हो, आदमी घर से कम निकले, यही जो है प्राथमिकता है। आज बाबा से क्या कामना मांग रहे हैं? कामना मांगते हैं कि प्रभु सब सही कर दो ताकि जनता खुशहाल रहे। हनुमान जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान श्री बालाजी एवं शनि शक्तिपीठ शनिधाम मंदिर वेस्टर्न रोड मेरठगंज, मैं महामंडलेश्वर महेंद्र दास आज हनुमान जन्म उत्सव का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाते थे हम लोग। आज ये कोरोना की ऐसी विपत्ता हमारे देश के ऊपर आई है कि आज हमने उसको जो है सूक्ष्म रूप में कर दिया और पर्व मना रहे हैं। मन दुखी है, हमारे समाज के ऊपर पीला है, वो हमसे सहन नहीं हो रही। पर्व मनाना तो एक हमारी परंपरा है, हम उसको जो है बड़े ही साधारण ढंग से मना रहे हैं। बाबा का श्रृंगार करा है, चोला चढ़ा है, हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ होगा छोटा सा, उसके बाद में भंडारा होगा, उसके बाद में जो है प्रसाद का वितरण होगा। पर मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है कि वो इस संकट की घड़ी में शासन का, प्रशासन का और हमारे राष्ट्र का सहयोग करें। अगर शासन का आदेश है मंदिर नहीं खोलना तो नहीं खोलना, और सबको यही प्रेरणा दें कि इस कोरोना की जंग में हम कामयाब हों, हमारा भारत देश जो कामयाब हो। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।